स्वच्छता से तो डूंगरपुर को नई नई पहचान मिली है, पर अपने जायकों को लेकर शहर पहले से ही मशहूर रहा है। यहाँ की नमकीन की धूम पूरे देश भर में है। इन सबको साथ डूंगरपुर के जयदेव गुरु की कचौरी समोसे ने अपनी अलग पहचान रखता है। इनका नाम सुनते ही डूंगरपुर वासियों के मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, जयदेव गुरु की कचौरी समोसे ब्रेड पकौड़ा अपनी खास स्वाद की वजह से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। खासतौर पर लोगों को इनकी चटनी इतनी पसंद आती है कि समोसे कचौरी खाने के बाद भी इनकी चटनी अलग से मांगी जाती है। वर्ष 1993 में उदयपुर से इतेलिया खेड़ा से लक्ष्मण आहारी डूंगरपुर आए और डूंगरपुर की सबसे पुरानी स्कूल महारावल के पास जय गुरुदेव के नाम से समोसे कचौरी और ब्रेड पकौड़े बेचना शुरू किया। जब समोसे कचौरी और ब्रेड पकौड़ा तब वो प्रति नंग 40 पैसे के हिसाब से बेचा करते थे, धीरे धीरे इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी। आज आलम यह है कि रोजाना करीब 300 के आसपास समोसे कचौरी और ब्रेड पकौड़ा बेच देते हैं। 40 पैसे से शुरुआत करने वाले लक्ष्मण आज 12 से 13 रुपये समोसे कचौरी और ब्रेड पकौड़ा बेचते हैं। समोसे और कचौरी और ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए और उसे देने के लिए 4 आदमी भी काम पर लगा रखे हैं। गुरुदेव नाश्ता सेंटर इतना मशहूर होने के पीछे वजह है उनकी की समोसा कचौरी में डालने वाली चटनी। इसके लिए लक्ष्मण सिंह अलग तरीके से चटनी तैयार करते हैं। सबसे पहले खट्टी इमली के अंदर से उसे छील और बीज अलग करते हैं, बाद में उसे पानी में डाल देते हैं। पानी में मिर्च मसाला मिलाया जाता है, इसके बाद उसमें ब्रेड पकौड़े को बारीक कर उसमें ब्रेड पकौड़े को चूरमा मिलाया जाता है। आखिर में ज़रूरत के अनुसार उसमें बेसन मिला दिया जाता है। यही कारण है कि इनकी चटनी सबसे अलग और सबसे स्वाददार है। ब्रेड पकौड़े हैं, ब्रेड पकौड़े। और आप कब से स्टार्ट कर रहे हो ये? हम ये तो पता नहीं, ये सब कुछ है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, और जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने पैसों में किया था? 40 पैसों में। और तब समोसा, एक समोसा कितने बेचते थे आप? 40 पैसों में। और यहाँ कितने लोगों की आवश्यकता रहती है? काम कितने करने वाले? 5 जने टोटल। और दिन के कितने समोसे निकल, समोसे कचौरी ब्रेड पकौड़ा निकल जाते होंगे 200-300 नहीं, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड पकौड़े भी यही मतलब दिन की कितनी कमाई हो जाती होगी अपने? दिन की यही समझना 10-11-12 हजार रुपए हो जाती है। आपकी दो दुकान है? नहीं, एक ही है। ना, एक सामने ने की है। नहीं, ये मतलब बनाने का है। अच्छा, दुकान मतलब सेलिंग करना वहाँ है। अच्छा, यहाँ बनाते और बेचते हैं वहाँ पे? सेलिंग। चलो, ओके।